वेलकम टू जामरा मल्टीपर्पज़ चैनल। तो भाइयों, आज हम आपको बताएंगे, हमारे पास बाइक आई है होंडा की पैशन प्रो, तो इसके सोकर भरने जा रहे हैं हम। तो आपको बताएंगे कि सोकर किस तरह भरे जाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि हमने जो पहले टायर निकाल लिया गया, टायर निकाल दिया है। तो अब ऊपर से इसको लूज़ करेंगे और नीचे से इसको ऊपर से खोल के नीचे को निकाल देंगे। तो वीडियो बने रहिए। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से निकालने हैं आपने। तो एक जो हमने निकाल के रख लिया है, अब दूसरा निकालेंगे। तो आपको गाइस ये सोकर वाले जो लूज़ करने पड़ते हैं, 14 नंबर नट होते हैं, तो कुछ इस तरीके से। और फिर उसके ऊपर से ऊपर वाला नट जो लूज़ करना होता है। तो गाइस इस तरीके से निकालने आपने सोकर, आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो देख सकते हैं गाइस, हमारे जो दोनों शॉकर खुल चुके हैं। तो अब इसको हम दिखाते हैं क्या कैसे इसको खोलना है और किसको किस तरीके से भरना है। तो बने रही वीडियो पे दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस आप इस तरीके से खोलेंगे, तो इसको आप 22 पे बांध लेंगे पहले। इस तरीके से इसको थोड़ा सा हल्की सी चोट लगाएंगे ताकि ये नट जो ढीला हो जाए, आसानी से खुल जाए। फिर आप अपने चाबी लगाएंगे, जो चाबी लगी है वो चाबी लगानी है आपने। इसको झटके से खोलना है। तो झटके से खोलने से होता है, आसानी से खुल जाता है। तो आपको दिखाते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। तो पहले ये हमारा नट आ चुका है, इसको 22 से उतारेंगे। इसके बाद ये आपकी बासन निकलती है लंबे वाली। अब इसको हम तेल को निकालेंगे और इसमें स्प्रिंग निकलेगा। तो आप देख सकते हैं ये बासन निकली हमारी एक, इसके बाद स्प्रिंग निकला है जो कि इस तरीके से निकलेगा। इस तरीके से तेल को निकालेंगे। तो इस तरीके से तेल निकाल देंगे, फिर इसको वॉश करना है। तो शोकर को आप इस तरीके से लगाएंगे। ये जो ऊपर वाला नेट, तो इसको ओपन करना हमने, यहाँ पे नेट होता है उसको ओपन करना हमने। तो आपको दिखाते हैं, 6 नंबर एल की लेनी है और इस तरीके से खोलेंगे इसको। तो इस तरीके से आराम से खुल जाएगा। पहले इसको सेट लगानी है, ठीक है गाइस, फिर ये आराम से खुल जाता है। मेरा सफर बहुत दूर है। इस तरीके से इसको खोल जाएंगे और इसके अंदर जो है कॉपर की बासल होती है, ये लीकेज होने से बचाती है। और इस तरीके से खोलेंगे वो है जो हमारा सामान जो निकल चुका है। अब इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद दिखाते हैं कि उसको कैसे भरना है। तो गाइस बने रही वीडियो पे, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो जो है हमारा एक शोकर का जो सामान जो धुल के तैयार हो चुका है, तो आपको भर के दिखाते हैं किस तरीके से भरा जाएगा, ये कितना ऑयल डलेगा इसमें, आपको हर चीज़ दिखाएंगे, वीडियो पर बने रही है। तो गाइस सबसे पहले हमने जो है सील चेंज करनी है, जो पुरानी सील है वो निकाल देनी है, नई सील डालनी है इसमें। तो इस तरीके से डालेंगे,
क्या करना छल्ला लेना। तो देख सकते हैं किस तरीके से डालते हैं इसको। तो आपको चारों साइड से बराबर तरीके से अंदर बिठानी है। तो चलो सर, हमारी सील जो बैठ चुकी है और जो दूसरी पैन वाली वो निकाल दी गई है। इस तरीके से लॉक लगेगा, लॉक लगाना है, फिर इसे पैक करना है ऊपर से। और अब इसमें हम करेंगे जो सामान निकाला है। गाइस तो इस तरीके से तो गाइस इस तरीके से लगाएंगे नट को। तो देख सकते हैं आप, चेक करके लगानी है। इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से इसको टाइट करेंगे। अंदर से गंदी लगा दी थोड़ी, लग गया है टंकी भी। तो टाइट हो चुका है। अब इसके बाद डालेंगे हम तेल, 80 ml तेल डालना है इसमें। तो 80 ml तेल हमने डाल दिया है, तो अब इसको हम डालेंगे। तो 80 ml तेल डाल दिया हमने। उसके बाद स्प्रिंग डालेंगे, उसके बाद स्प्रिंग डालेंगे। एक भाई दिया अंदर केवल। चल थोड़ी सी बात, थोड़ी स्प्रिंग जो हमने डाल दिया है। ऊपर से आ गई बासल, ऊपर से आ गई हमारी बासल, बासल हमारी पाइप, लंबी वाली पाइप जो कि ये बासल का काम करती है। उसके बाद इसको हम टाइट करेंगे नेट के साथ। तो गाइस इस तरीके से इसको टाइट करना है, 22 में लगा के टाइट करना है इसको अच्छे तरीके से। फिर जो शोकर हमारा जो है बनके तैयार चुका है लगने के लिए गाड़ी में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।